हेलो गाइस, मैं संदीप कुमार शुक्ला आप सभी का आप लोगों के परिवार संदीप सर जीके में स्वागत करता हूं। नमस्कार। चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, आज से डेली क्लासेस होंगी, तो डेली क्लासेस हो रही हैं। आज सारी की सारी क्लासेस हुई हैं। बस कल तक थोड़ा सेटअप चल रहा था, नई चीज़ों को सेट करने में टाइम लग जाता है। आज सारी क्लास हुई है। सुबह 8 बजे करंट अफेयर से क्वेश्चन की क्लास हुई थी, 9 बजे ट्रिक वाली क्लास हुई थी, देन उसके बाद में आपका 12 बजे हरियाणा वाली क्लास हुई थी, 2 बजे रेलवे हुआ था, 5 बजे SSC हुआ था, और अब 8 हैं वर्दी की क्लास है। वर्दी मतलब UPSI की सब इंस्पेक्टर वाली वैकेंसी, UP पुलिस की जो 50,000 वैकेंसी आने वाली है वो, MP पुलिस में SI कांस्टेबल वैकेंसी आने वाली है, दिल्ली पुलिस वाली वैकेंसी वाले सारे के सारे बच्चे इस क्लास को देखेंगे। मैं ये कर रहा हूँ कि सारी क्लासेस जो बच्चा देखेगा उसको बहुत फायदा होगा। कैसे? रेलवे में करा रहा हूँ पॉलिटी, SSC में करा रहा हूँ हिस्ट्री, ये वाली क्लास में कराऊंगा ज्योग्राफी। मैं सोच रहा था कि हरियाणा वाली क्लास में इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर दूँ, 4 सब्जेक्ट खत्म। सुबह वाली क्लास में करंट अफेयर्स क्वेश्चन, ठीक है, ट्रिक वाली क्लास इंपॉर्टेंट है, और रात को 12 बजे की क्लास इंपॉर्टेंट है। मिस मत करना कोई भी क्लास, जो बच्चा कोई क्लास मिस करे गड़बड़ हो जाएगा। 3-3.5 घंटे का खेल है पूरा हमारा। 3-3.5 घंटे में आप आराम से चीज़ों को टैकल कर सकते हैं। 3-3.5 घंटा आप GK के लिए निकालिए, सिर्फ 3 मंथ्स आप करके देख लीजिए, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। ये साबित किया है मैंने CGL में, CHSL में, MTS में, जब भी पढ़ाया मैंने तीनों बार अपने एनालिसिस कर लिया होगा। क्लियर? चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज इस वाली क्लास में ये जो क्लास है किसी क्लास है वर्दी की क्लास है, तो वर्दी वाली क्लास में आज हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ढेर सारे ज्योग्राफी क्वेश्चन होंगे। क्लियर ना? और 2 बजे वाली रेलवे वाली क्लास में पॉलिटी करा रहा हूँ, और SSC वाली क्लास में हिस्ट्री करा रहा हूँ। क्लियर? यहाँ भी ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत बच्चों की डिमांड आ रही थी सर थ्योरी कब कराएंगे, थ्योरी के लिए थोड़ा सा रुक जाओ बेटा, बहुत जल्दी स्टार्ट कर दूंगा, बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। थोड़ा नया सेटअप, बहुत चीज़ें करना पड़ रहा है, खुद PPT बनाना पड़ रहा है, खुद कुछ करना पड़ रहा है, बहुत चीज़ें करना पड़ रहा है। मतलब आप हंसोगे, रूम में वीडियो बनाने के फायदे बहुत हैं। जैसे बताऊँ कि नहीं बताऊँ, चलो बताता हूँ। मैंने PPT लगाई, PPT जैसे डाउनलोड हो रही थी, मैंने फटाक से चाय रख दी, और चाय रखते रखते PPT लगा दी, PPT लगा मैंने चाय ले आया। मैं सोचा चलो पढ़ाते पढ़ाते चाय पी लेंगे, रूम में वीडियो लेक्चर बनाने के फायदे बहुत हैं। क्लियर ना? चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। ज्योग्राफी क्वेश्चन ढेर सारे यहाँ पे होंगे, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। बहुत बच्चों की शिकायत आ रही PDF को लेकर के, बहुत बच्चे शिकायत कर रहे हैं PDF को लेकर के। देखो, जितनी PDF अभी हो पा रही है वो मैं टेलीग्राम में दे रहा हूँ, टेलीग्राम आप ज्वाइन तो करो बाबू। हाँ, बहुत बच्चे बोले सर टेलीग्राम में फिर से दोबारा डाल दूंगा, ठीक है, हो सकता है डिलीट हो गई होंगी, मैं दोबारा डाल दूंगा टेलीग्राम में PDF। क्लियर ना? खुश? ठीक है। दूसरा, कुछ बच्चों के मोबाइल में टेलीग्राम है नहीं, तो वो बोलते हैं कि सर वो लिंक खराब बता रहा। लिंक खराब नहीं बेटा, टेलीग्राम मोबाइल में डाउनलोड कर लो, जैसे व्हाट्सअप होता है वैसे टेलीग्राम होता है। क्लियर? चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। और आज का पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन में है, क्वेश्चन देखिएगा और आंसर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए। इन विच कंट्री और कंट्रीज द थार डेजर्ट इज सिचुएटेड, जो थार का मरुस्थल कहाँ स्थित है, जल्दी बताइए जल्दी, थार का मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए भारत और नेपाल, ऑप्शन बी भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन सी भूटान और चाइना, ऑप्शन सी तिब्बत और नेपाल। बिल्कुल इंडो पाक, राजस्थान में स्थित है, आप सबको मालूम है राजस्थान में स्थित है थार का रिजर्ट, जो कहाँ पर आपका राजस्थान में है, तो आपका इंडो पाक, सॉरी इंडो पाक ना, इंडो पाक, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान। थार का राजस्थान में है, थोड़ा सा एरिया इसका पाकिस्तान में कवर होता है, थार कहाँ पे, राजस्थान में, ठीक है। और बहुत डेजर्ट से डेजर्ट वाला वीडियो भी करा दूंगा, जैसे कि एक आता है कालाहारी डेजर्ट, कौन सा कालाहारी डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट कहाँ पे, बोत्सवाना में, कहाँ पर, बोत्सवाना, पुरानी फॉर्म में आते हैं भाई, है ना, अब बहुत हो गया गम्स गमसम और दुख उख है, अब स्टार्ट करते हैं पुरानी फॉर्म में। बोत्सवाना में कालाहारी डेजर्ट है, यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं, बुशमैन, क्या बोलते हैं, बुशमैन। क्लियर ना? कालाहारी डेजर्ट बुशमैन जनजाति पाई जाती है। ऐसे ढेर सारे डेजर्ट्स हैं, पैटागोनिया का डेजर्ट है, सहारा का डेजर्ट है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में 3 डेजर्ट हैं, गिब्सन, उसके बाद ग्रेट सैंडी और विक्टोरिया डेजर्ट है। सारा डेजर्ट वाला वीडियो करा दूंगा, बस विश्वास बना रखिए, जो आप विश्वास दिखा रहे हैं बस इतना कीजिएगा, 3 मंथ्स सारा GK फिनिश, वादा करता हूँ आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोल रहा है कि वेयर द गोबी डेजर्ट इज सिचुएटेड, गोबी डेजर्ट कहाँ पे है, जल्दी बताइए गोबी डेजर्ट कहाँ पे है। चलिए तो गोबी डेजर्ट कहाँ पे है, मंगोलिया, चाइना, ईरान, अफगानिस्तान, आंसर इसका मंगोलिया, मंगोलिया में है आपका गोबी डेजर्ट। मरुस्थल से बहुत क्वेश्चन आते हैं, आपको मालूम है मरुस्थल से जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे कर लेंगे, चिंता मत कीजिएगा, मरुस्थल मतलब डेजर्ट। अच्छा एक आज बात बताओ, डेजर्ट क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं डेजर्ट है क्या, तो आप क्या आंसर दीजिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं डेजर्ट। अच्छा कुछ बच्चे बोले सर व्हाइट स्क्रीन में आंखों में लग रहा था, अभी ठीक है ना, चलो डेजर्ट क्या होता है, डेजर्ट जो होता है, एक मिनट व्हाइट कर लूँ क्या, जो डेजर्ट होता है, डेजर्ट का मतलब ये होता है कि सिर्फ रेत होता है क्या, ना
डेजर्ट का मतलब से रेत नहीं होता, डेजर्ट मतलब सूखा, सूखा। ये रेत वाला बंजर भूमि भी हो सकती है, या फिर नॉर्मल जमीन भी बंजर पड़ी है उसको डेजर्ट बोल देंगे। साथ ही साथ जहाँ पर बर्फ जमी होती है वो भी डेजर्ट कहलाता है, जैसे जैसे सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन पूरा डेजर्ट कहलाता है, ये भी डेजर्ट कहलाएगा, मरुस्थल कहलाता है ना। सिर्फ रेत मतलब मरुस्थल नहीं होता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है, विच रिवर इज नोन एज द सोरो ऑफ चाइना। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है, जल्दी बताइए। यांग ट्रिक्स क्या घुआंग हो परल और उपरोक्त सभी, जल्दी आंसर दीजिए इसका। चलिए देखो, एक रिवर है कोसी, कोसी रिवर है ना, कोसी, इसको बिहार का शोक बोलते हैं, सोरो ऑफ बिहार बोलते हैं, क्योंकि ये जब भी आती बहुत गंदी वाली बाढ़ लेकर आती है। दूसरा एक रिवर है आपका कौन सा, बंगाल, बंगाल के लिए जल्दी से बताओ कौन सा है, बंगाल के लिए कौन सी नदी को शोक कहा जाता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ये दो हो गई, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा हांगहो। हांगहो को चाइना का शोक बोलते हैं। चाइना का शोक क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब ये बहुत ज़्यादा पानी लेके आती है ना, तो अपने एरिया होता क्या, कहानी सिंपल सी यार, जब नदियों को गाली दे रहे अपन, सच्चाई सुनो क्या है, सच्चाई ये है, ज़्यादा अपन दिमाग भी बहुत लगाते हैं अपन लोगों का, हिंदुस्तानी क्या बताऊँ। देखो मान लो ये नदी बह रही है, ठीक है, लोग यहाँ रहते थे पहले, ये लोग रह रहे हैं, तो अगर यहाँ पे लोग रह रहे थे तो नदी अगर पानी बाढ़ भी आती थी तो नदी इतने एरिया में फैलती थी, इतने में लोगों को ज़्यादा हानि होती नहीं थी और इतने एरिया से बह जाती थी पूरा एरिया कवर करके। अब क्या हुआ, लोग जाके सिर में बैठ गए नदी के, यहाँ पर रहने लगे, यहाँ पर रहने लगे, यहाँ पर रहने लगे, यहाँ पर रहने लगे, तो लाजमी से जब बाढ़ आएगी तो फिर घसीट के बहेगी आपको, तो नदी का जो एरिया था इतना एरिया में नदी बहती थी, बाढ़ आएगी तो इतने एरिया में होगी, तो लोग क्या करने लगे, नदी के बाढ़ वाले एरिया में रहना चालू कर दिए। जब आती है तो फिर वो नदी दिए थोड़ी देखती कि तुम कौन हो, वो तो लेके चल देती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाती, इस कारण से सोरो बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कि बद्दू किस देश के निवासी हैं, बद्दू किस देश के निवासी हैं। फिर से बोलता हूँ, ध्यान से सुनने के बाद, मैं हिस्ट्री में एक तो पेन सेलेक्ट ना हो रहा मेरे से, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, पॉलिटी के 2000 क्वेश्चन मिनिमम करा दूंगा रेलवे वाली क्लास में, ज्योग्राफी कम से कम 2000 क्वेश्चन करा दूंगा यहाँ पर मैं, हिस्ट्री कम से 2000 क्वेश्चन करा दूंगा यहाँ पर मैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हो जाएंगे सुबह करंट अफेयर्स वाली क्लास में, डेली 15 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। जो संदीप सर का जीके खजाना चलता है उसमें तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ हरियाणा वाली क्लास में ढेर सारे क्वेश्चन कर दूंगा, चिंता मत करना, बस आप देखते जाओ देखते जाओ। मैं बता रहा हूँ गिनती, अगर किसी बच्चे ने 3 मंथ से नहीं, अगर 1 मंथ भी देख लिया ना, 1 मंथ डेली मेरी क्लास देख ली, मैं गारंटी देता हूँ, 1 मंथ छोड़ो यार, मैं तो बोलता हूँ 7 दिन, 7 डेज कोई बच्चा डेली मेरी सारी क्लास देख ले, कभी छोड़ के जा ही नहीं सकता क्लास को, कभी छोड़ कर नहीं जा सकता, वादा है। आंसर दीजिए, बद्दू किस देश के निवासी हैं, जल्दी से, अरब, बिल्कुल। बद्दू ट्राइब होती है या जनजाति है, ये कहाँ पे अरब पाई जाती है, ठीक है। बद्दू क्या है, ट्राइब है, ये अरब सागर अरब देश में पाई जाती है। आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। एक ट्राइब होती है बोरा, बोरा है ना, बोरा या बोरो भी लिखते हैं यहाँ पे, ये आपका ब्राज़ील के एरियाज में पाई जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा क्या बोलता है, कि किर्गिज किस देश के निवासी हैं, किर्गिज, जैसे एक होती माओरी है ना, माओरी ये न्यूजीलैंड के पाए जाते हैं, माओरी जो होते हैं ये आपके न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। एक होती अफरीदी, अफरीदी ये आपका पाकिस्तान में पाए जाते हैं, पाकिस्तान में पाए जाते हैं, ठीक है। और ढेर सारे ट्राइब्स हैं, मैं धीरे धीरे बता दूंगा, चिंता मत कीजिएगा। एक होती शैम्पेन, शैम्पेन ये बार बार एग्जाम में पूछता है, ये आपका अंडमान और निकोबार में पाया जाता है, अंडमान और निकोबार में, ठीक है। किर्गिज किस देश के निवासी हैं, ऑस्ट्रेलिया, मध्य एशिया, भारत और इंडोनेशिया। आंसर क्या हो जाएगा इसका, सेंट्रल एशिया मतलब मध्य एशिया के निवासी होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, कि नेक्स्ट ये देखिए कि दुनिया के किस देश को भूकंप और ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है। बहुत जल्दी लाइव आने वाले हैं अपन लोग, लाइव का सिस्टम भी बहुत जल्दी हो जाएगा, चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए दुनिया के किस देश को भूकंप और ज्वालामुखी का देश बोलते हैं, देखो होता क्या है, सिंपल होता, कहानी सिंपल सी है, कहानी टफ नहीं है, कहानी टफ बना दी गई लोगों को द्वारा। देखो भूकंप बताऊं क्या, बहुत टफ, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। देखो बिल्कुल बिल्कुल सिंपल ना, सिंपल नहीं यार, अब बता ही देता हूँ, आगे क्वेश्चन बाद में कर लेंगे, सुनो ध्यान सुनो। ये है पृथ्वी थी आज से लाखों करोड़ों साल पहले, डन। एक गेंद थी, एक गेंद जो है वो आपके पानी में तैर रही थी, ये पानी था नीचे, ध्यान सुनना इंपॉर्टेंट है ना, दोबारा नहीं बताऊंगा फिर कभी, ठीक है।
पानी में तैर रही थी। अरे बाल्टी में गेंद फेंका आपने, बस गेंद जो है ना वो ये है और पानी में तैर रहा है। ये जो था इसको, जो गेंद थी इसको बोलते थे पेंजिया। क्या बोलते थे? पेंजिया। क्या बोलते थे? पेंजिया। और जो पानी था इसको बोला जाता क्या आपका? पैंथालासा सागर। पैंथालासा, पैंथालासा मतलब PENTHALASA, पैंथालासा सागर। और ये पेंजिया PENZIA, ऐसे कुछ स्पेलिंग होगी। डन। चलो हुआ क्या कुछ समय बाद ये ना दो टुकड़े में टूट गया, बीच से दो टुकड़े में टूट गई ये गेंद। ढेर सारे फोर्स थे, बायंसी फोर्स लगा, टाइडल फोर्स लगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, टूट गया। अंदर में जाना अब उसके आगे भूल छोड़ दो, वो साइंटिस्ट वाला यूपीएससी वाले बच्चे भी नहीं पढ़ते ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लगाना, जीके में है ना अपन, जीके पढ़ रहा है। ठीक है, अब बीच से दो टुकड़े में टूट गया। तो बीच से दो में टूटने के बाद लगभग ऐसा हुआ होगा, लगभग ऐसा कुछ हो गया होगा, ऐसा ऐसे दो टुकड़े हो गए। डन हो गए। चलिए ऊपर वाले टुकड़े को कहा गया अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। और नीचे वाले को कहा गया गोंडवाना लैंड। क्या कहा गया? गोंडवाना लैंड। डन। चलिए अंगारा लैंड का एक और नाम था लॉरेंसिया, लॉरेंसिया। डन, दो नाम हो गए इसके, अंगारा लैंड, लॉरेंसिया। ठीक है, चलिए बीच में पानी भर गया होगा, लाजमी सी बात है, इस वाले एरिया में पानी भर गया होगा। तो इस एरिया में जो पानी भरा उसको कहा गया क्या आपका? टेथिस सागर। क्या कहा गया? टेथिस सागर। ठीक है, टेथिस सी। डन। चलिए अब जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको पकड़ते हैं ना, ऊपर वाला जो पोर्शन है मैं इसको मिटा देता हूं, जो ऊपर वाला पोर्शन है ये कुछ पार्ट्स में टूटा। टूटने के बाद हुआ क्या कि ऐसा कुछ हो गया, ये टूटने के बाद ऐसा हो गया कि ये बन गया आपका एशिया और यूरोप, सॉरी यूरोप और एशिया, इस टाइप का बन गया। ठीक है, और यहाँ पर बन गया आपका ग्रीनलैंड, यहाँ पर बन गया अलास्का, ये बन गया नॉर्थ अमेरिका, ऐसा कुछ हो गया ये नॉर्थ अमेरिका। तो याद रखना अफ्रीका के ऊपर वाला जितना एरिया है, अफ्रीका रूप में मैप लगाना, अफ्रीका के ऊपर वाला एशिया, यूरोप, ग्रीनलैंड, अलास्का, नॉर्थ अमेरिका, ये सारे के सारे पार्ट कहलाते हैं लॉरेंसिया के, मतलब अंगारा लैंड के। हुआ क्या कि ये जो बीच वाला पोर्शन था इससे टूट के एक हिस्सा भागा राइट के साइड, मतलब वेस्ट के साइड भागा, वेस्ट के साइड इसको कहा गया नॉर्थ अमेरिका। अगर आपसे पूछे कि पिंड के जो पेंजिया था, पेंजिया के टूटने के बाद जो नॉर्थ अमेरिका है वो अंगारा लैंड का हिस्सा था, लॉरेंसिया का हिस्सा था, ऊपर वाले का हिस्सा था, तो ये किस साइड भागा? तो आप बोलोगे ईस्ट के साइड भाग रहा है। क्वेश्चन पूछा एग्जाम में, एसएससी में पूछा था, ईस्ट के साइड भाग रहा है। अब देखना आप, आपके पास साउथ अमेरिका के ऊपर नॉर्थ अमेरिका है, देखना ईस्ट के साइड जा रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि घूम के आने के बाद ये कुछ हजार लाख सालों के बाद में वापस जापान के साइड से एशिया से मिल जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, ये हो गया। डन। चले ये जो टुकड़े टूटे इनको कहा जाता है प्लेट्स। क्या बोलते हैं? प्लेट्स। क्या बोलते हैं? प्लेट्स। प्लेट्स बोलते हैं, बस यही सिखाना चाह रहा है कि प्लेट्स कहलाती क्या है। ये जो बड़े बड़े टुकड़े हैं ना, अफ्रीका महाद्वीप अपने आप में बड़ी प्लेट कहलाता है, ऑस्ट्रेलिया अपने आप में प्लेट कहलाता है, इंडिया प्लेट कहलाता है, नॉर्थ अमेरिका प्लेट कहलाता है, साउथ अमेरिका प्लेट कहलाती है, ये सारी बड़ी बड़ी प्लेट्स कहलाते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज में प्लेट्स बोलते हैं। तो सवाल है क्या सिर्फ बड़े प्लेट्स हैं, छोटे प्लेट भाई, छोटे प्लेट्स भी होते हैं, बिल्कुल छोटे प्लेट्स भी होते हैं, बस आप बड़ों का नाम याद रखते हैं, छोटी प्लेट्स का नाम हमको याद नहीं रहता। बस अगर आपको ये समझ में आ गया तो ध्यान से सुनना, ध्यान से मैं क्या बता रहा हूँ कि बड़ी प्लेट्स और छोटी प्लेट्स हैं, जब दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं, लाजमी सी बात है जब टकराएंगी तो इनके बीच में क्या होगा? टक्कर होगी, टक्कर होगी तो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा मतलब झटका लगेगा, भूकंप आएगा। ठीक है, एक। और दूसरा, इन्हीं प्लेट्स के कारण से जब ये गर्म होती है नीचे जाकर के तो यहाँ से ज्वालामुखी निकलता है, ये प्लेट नीचे गई, पिघली और बाहर निकली, इसको ज्वालामुखी बोलते हैं। मतलब कुल मिलाकर मैं ऐसा बोलूँ कि मैं बोला कि प्लेट्स आपस में टकराई तो भूकंप आएगा, एक। और दूसरा, ये जब नीचे जाएंगी एस्थेनोस्फेयर में, अभी आगे वाले समय और छह समझा दूंगा आपको, एस्थेनोस्फेयर में जाएंगे तो वहाँ से पिघल के ज्वालामुखी बनकर निकलेंगी। दो बातें बता दी, मतलब कहने का मतलब ये है कि जहाँ ज़्यादा प्लेट होंगी वहाँ ज़्यादा भूकंप आएंगे, यही है ना, प्लेट्स टकराने, जहाँ ज़्यादा प्लेट्स होंगे वहाँ ज़्यादा भूकंप आएंगे, बिल्कुल। और सब ज़्यादा प्लेट्स आप जाकर मैप में देखो, जापान के पास ढेर सारे छोटे छोटे टुकड़े मिलेंगे आपको, सारे के सारे प्लेट्स हैं। इस कारण से जो जापान है यहाँ पर सब ज़्यादा भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर देखना ढेर सारे छोटे छोटे टुकड़े दिख रहे हैं ना आपको। अभी इसको और अच्छे से समझाऊंगा, मुझे मालूम है कि अभी मैंने 5% भी नहीं समझाया, 95% बचा है, बस वेट करो, अपना ही चैनल है, जब मन करेगा तब पढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोल रहा है कि जापान के किन शहरों पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। आपको मालूम है
1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त को जापान के दो शहरों में अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिया था। आंसर क्या हो जाएगा इसका, हिरोशिमा और नागासाकी। क्लियर, हिरोशिमा और नागासाकी में जापान के आपका अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिया था, जो कि अच्छी बात नहीं है, गलत बात है, ठीक है, नहीं करना चाहिए था ऐसा। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोल रहा है कि इन विच ऑफ द कंट्री कम्यून एग्रीकल्चर ऑफ फेमस, चाइना कम्यून, जो कम्यून कृषि है वो किस देश में प्रसिद्ध है, चीन में, जापान में, रूस में और श्रीलंका में, कहाँ पर कम्यून कृषि फेमस, भाई जल्दी बताइए, चीन, जापान, रूस, श्रीलंका, बिल्कुल सिंपल, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, चाइना सही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ताइवान दक्षिण पूर्वी तट से एक द्वीप है, किसका, चाइना का, इसका भी आंसर चाइना है, इसका आंसर चाइना है, ताइवान इज एन आइलैंड ऑफ द साउथ ईस्ट कोस्ट। अब जल्दी से लाइव क्लास स्टार्ट करते हैं, लाइव क्लास से मजा आता था ना, लाइव क्लास स्टार्ट करते हैं, चिंता मत करो। चलिए नेक्स्ट, लाइव क्लास में भले कमेंट्स पढ़ो चाहे ना पढ़ो, लेकिन फील आता है कि हाँ बच्चे आ गए और बच्चे क्लास देख रहे, फील आता है ना, कोई दिक्कत नहीं है, दिखा साइकोलॉजिकल कहीं कहीं तो मेरे दिमाग में सेव ही नहीं कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्लास, ठीक है। चलिए अगला है कि वेन वाज द म्यांमार सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, जो म्यांमार है भारत से कब अलग हुआ था, 1937 में, 1936 में, 1949 में और 1951 में, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है, 1936 में जो भारत का 1935 वाला अधिनियम था उसके बाद ये अलग हो गया था इंडिया से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन का बोलता है कि किस नदी पर, रावी नदी पर सबसे ऊंचा बहुद्देशी बांध कौन सा है, विच इज द हाइएस्ट मल्टीपर्पज डैम कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर रावी, रावी नदी पर निर्मित सबसे ऊंचा बहुद्देशी बांध कौन सा है, भाखड़ा नांगल, कहलगांव, रणजीत सागर और चमेरा, बिल्कुल सिंपल आंसर इसका, रणजीत सागर बांध जो है आपका रावी नदी पर बना है। किस दिन डैम पर करा दूंगा, बिल्कुल वीडियो एक डैम पर करा दूंगा, कौन कौन सा डैम इंपॉर्टेंट है सारे वीडियो करा दूंगा, चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर सिस्टम फ्रॉम अ पार्ट ऑफ द कोयना रिवर, कौन सी नदी प्रणाली कोयना नदी का हिस्सा है, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और महानदी, बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा क्या आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका कावेरी, क्लियर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, एक क्वेश्चन क्या है, कौन सी नदी प्रणाली कोयना नदी का हिस्सा है, नहीं नहीं गलत, कृष्णा नदी है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका कृष्णा रिवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ये देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न से अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा कौन सी है, देखो अटलांटिक महासागर देख लो है कहाँ पे, पहले देखो कहानी सिंपल सी ऐसी है कि ये है आपका लगभग ये मान लो अबराउट नॉर्थ अमेरिका टाइप का स्टाइल को मान लो, और ये हो गया मान लो आपका साउथ अमेरिका, ये हो गया अफ्रीका, ये हो गया एशिया, यूरोप, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, डन, ये जो पूरा एरिया है ये कैसे करूँ, इसको कलर चेंज कर दूँ क्या, इसको मैं कलर कर देता हूँ कैसा, ब्लैक, ये है आपका अटलांटिक महासागर, ये है आपका प्रशांत पैसिफिक ओशियन, ये है आपका इंडियन ओशियन, और आपको मालूम है धरती गोल है तो ये पीछे से आता है और यहां पर भी आपका पैसिफिक ओशियन ही है प्रशांत महासागर, क्योंकि गोल है ना, पूरा गोल है ना, ठीक है, ये पैसिफिक ओशियन। अब पूछ रहा है किसके बारे में, इसने पूछा है कौन सा क्वेश्चन, इसे अटलांटिक महासागर गर्म जलधारा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर, कनारी और गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर, कैनारी और फ्लोरिडा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, गल्फ स्ट्रीम, क्या हो जाएगा, गल्फ स्ट्रीम। कहानी सिंपल सी ये है, तो सिंपल कहानी ऐसी है कि देखो ये देखिए मिटाता हूँ मैं, यहां से एक जलधारा जाती है पानी की, ऐसी कुछ पानी की जलधारा ऐसी आती हैं, बाजू वाले के यहाँ से कोई खाने वाला नहीं आया तो ठोक रहा है दरवाजा उसका, आपको आवाज आ रही होगी भैया भैया करके, हैं। चलिए ये है आपका गल्फ स्ट्रीम, ये है गल्फ स्ट्रीम और ऊपर से एक पानी की ठंडी जलधारा आती है, इसको बोलते हैं लेब्राडोर, क्या बोलते हैं, ऊपर से ही लेब्राडोर, ये हो गई गल्फ स्ट्रीम, क्लियर ना। तो क्वेश्चन ये अटलांटिक महासागर की है, तो क्वेश्चन पूछा था क्या आपसे कि अटलांटिक महासागर गर्म जलधारा कौन सी, इसका आंसर हो जाएगा आपका गल्फ स्ट्रीम, सही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन क्या है कि देखिए क्वेश्चन है कि फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी इज सिचुएटेड इन, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, अहमदाबाद, बेंगलुरु, मुंबई और नई दिल्ली, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका अहमदाबाद, क्लियर ना। तो जो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ पे है आपका, अहमदाबाद में, ठीक है ना।
डन। चलिए कहाँ पर है? अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ब्राजील के कहवा बाग क्या कहलाते हैं? बहुत फेमस क्वेश्चन है। ब्राजील के जो कहवा के बाग होते हैं उनको फ्रेजेंडा कहा जाता है। क्या बोलते हैं? फ्रेजेंडा। ठीक है, ब्राजील के जो कहवा बाग होते हैं उनको फ्रेजेंडा कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।